नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं नितेश। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, होली हम सभी खेलते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सावधानी बरतनी है। इसके बाद भी काफी सारे ऐसे मेरे भाई बहन जो कोई तिलक होली खेलता है, कोई हल्की गुलाल से होली खेलता है, कोई रंगों से भी खेलता है, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब हमारा जो मोबाइल है वो होली के कारण खराब हो जाता है। चाहे उसमें रंग चले जाए या पानी चला जाए तो मोबाइल खराब होने की नौबत आ जाती है। मोबाइल आप जानते हैं कोई 1,500 रुपए का तो आता नहीं है, 10-12 हजार से लेकर के बहुत महंगे महंगे मोबाइल हमारे पास होते हैं, और थोड़ी सी गलती के कारण मान लीजिए उसमें पानी चला गया तो वो खराब होने की नौबत आ जाती है। अब बाय द वे आपके मोबाइल फोन में पानी चला भी जाए होली पर तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केवल 4 छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको अगर आप अपना लेंगे, इनमें से कोई सा भी यूज कर लेंगे तो आपका मोबाइल कम से कम पानी से तो खराब नहीं होगा और आप बड़ा नुकसान से बच जाएंगे। चलिए देख लेते हैं वो चारों ट्रिक्स एक बार कौन कौन सी हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप होली खेले अपना मोबाइल घर रखें या फिर पॉलीथिन में पैक करके मोबाइल को अपने जेब में रखें, ताकि मोबाइल में पानी जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो। भाई जो फिर भी मोबाइल में पानी चला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि बैटरी को अलग कर लिया, उसके पीछे कवर को अलग कर लिया और धूप में सुखा लेते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम हमें धूप में नहीं सुखाना है, इससे बैटरी खराब होने की संभावना होती है। तो धूप में सुखाएं पर कम सुखाएं। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, हेयर ड्रेसर का उपयोग करते हैं, यानी कि जो हेयर ड्रेसर हम बाल सुखाने के लिए यूज करते हैं उसका उपयोग करते हैं, तो उसका उपयोग नहीं करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें मोबाइल में काफी बहुत बारीक बारीक कंपोनेंट्स होते हैं जो उससे डिस्टर्ब हो सकते हैं, इससे मोबाइल और भी ज्यादा खराब हो सकता है। यूज करें पर बहुत कम टाइम में आप उसको ड्रेसर से को यूज करें, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए करें, ज्यादा लंबा उसको यूज नहीं करना है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में पानी हल्का फुल्का चला भी जाता है तो आप मोबाइल के कंपोनेंट्स अलग अलग करें, यानी कि बैटरी वगैरह अलग कर लें। जिसके नहीं होते हैं वो एक अलग बात है, क्योंकि काफी सारे ऐसे मोबाइल्स हैं जिनकी बैटरी में इनबिल्ट आती है, अलग नहीं हो सकती। तो आप इस मोबाइल को चावल के डब्बे में डाल दें और डब्बा बंद कर दें, तो इससे क्या होता है कि जो मोबाइल के अंदर पानी गया हुआ है उसको चावल सोख लेता है और इससे मोबाइल सूख जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही आपको यूज करना है, उसके बाद भी हाथों हाथ यूज नहीं करें। और एक उपाय और, मान लीजिए मोबाइल में गलती से पानी चला जाता है, हमें पता है या नहीं है, लेकिन तुरंत उसके बाद अगर मान लीजिए चार्जर का यूज करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है और मोबाइल जल्दी खराब हो सकता है। तो चार्जर का यूज तो बिल्कुल ना करें। मोबाइल अगर डिस है, बैटरी उसकी खत्म हो चुकी है, तो भी आप उसको यूज ना करें, कम से कम चार्जर में तो बिल्कुल भी उसको यूज नहीं करना है। तो चार चीजें हमें विशेष रूप से याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये कि मोबाइल का उपयोग अगर होली पर नहीं करें, अलग रख दें तो ज्यादा बेटर है। दूसरी बात, पानी चला भी जाए तो आप चावल का उपयोग कर सकते हैं, चावल डिब्बे में रखें। तीसरी बात, उसे धूप में रख सकते हैं, थोड़ी बहुत देर सुखा सकते हैं, ज्यादा लंबा धूप में नहीं रखना है। चौथी बात, हेयर ड्रेसर का उपयोग कर सकते हैं, उसे हल्का फुल्का सुखा सकते हैं, लेकिन उसका भी यूज ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं करना है। पांचवी बात, कम से कम चार्जर का उपयोग तो हमें बिल्कुल नहीं करना है, मोबाइल को चार्ज करने की कतई नहीं सोचनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मान लीजिए सारे उपाय कारगर नहीं है तो सीधे सर्विस सेंटर जाइए या फिर मोबाइल शॉपिंग पर जाइए, वहां अपने मोबाइल की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताइए, वहां आपको अल्टीमेटली फाइनली सॉल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आपको वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही फिर मिलता हूं। आप सभी को हैप्पी होली।